हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग फोन पे चलाना चाहते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपका किसी भी बैंक में खाता नहीं है, तो आप लोग फोन पे या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को कैसे चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग बिना बैंक अकाउंट के भी अब यूपीआई का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं जानकारी दूंगा, किसी भी तरीके का कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में आपको एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको दिखाता हूँ कि एनपीसीआई ने जो अपने वेबसाइट पर अपडेट दिया है वह क्या है और कैसे आप लोग अपना जो यूपीआई है उसको बिना बैंक अकाउंट के चला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने एनपीसीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको यूपीआई सर्कल के नाम से एक फीचर मिलेगा। अब दोस्तों, यूपीआई सर्कल ही है जिसके द्वारा आप लोग बिना बैंक अकाउंट के भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी यूपीआई को चला सकते हैं। और दोस्तों, इसका यूज कैसे करना है तो मैं आप सबको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि यह क्या है और कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो यूपीआई सर्कल है उसमें मान लीजिए आपका एज 18 साल नहीं हुआ है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप लोगों को यूपीआई चलाने के लिए अपने घर में किसी का भी बैंक अकाउंट होगा, उनका गूगल पे, फोन पे यूज करते होंगे, तो उनके यूपीआई एप्लीकेशन में यूपीआई सर्कल के नाम से एक फीचर आएगा जिसमें कि वह अपने फैमिली मेंबर के 5 लोगों को ऐड कर सकते हैं और परमिशन दे सकते हैं कि उनका अकाउंट वह लोग यूज कर पाए एज ए सेकेंडरी यूजर। तो दोस्तों, सेकेंडरी यूजर और प्राइमरी यूजर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। प्राइमरी यूजर जिसका कि बैंक अकाउंट होगा, जिसके पास फुल एक्सेस रहेगा, वह अपने सेकेंडरी यूजर को एक लिमिट देगा यूपीआई में पेमेंट करने का, यूपीआई यूज करने का, यूपीआई चलाने का। तो सेकेंडरी यूजर क्या करेगा कि उनके अकाउंट से ही कहीं पर जा करके ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकता है। अब दोस्तों, इसमें दो तरीके का परमिशन लिया जाएगा। जो सेकेंडरी यूजर होगा प्राइमरी यूजर से दो तरीके से परमिशन लेगा। पहला जो तरीका है उसमें प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को ऐड करेगा और सेकेंडरी यूजर को कहीं पर भी पेमेंट करना होगा तो वह प्राइमरी यूजर से रिक्वेस्ट करेगा, वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा तभी जा करके उसका पेमेंट वहाँ से हो पाएगा। और दूसरा जो परमिशन रहेगा दोस्तों, दूसरा तरीका जो है उसमें प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को पूरे महीने में पैसा पे करने का, जो अमाउंट है उसको खर्च करने का एक लिमिट दे देगा कि इतना पैसा वह एक महीने में खर्च कर सकता है बिना प्राइमरी यूजर के परमिशन के। तो उसमें क्या होगा कि जो परमिशन, जितना अमाउंट का लिमिट दिया रहेगा प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को, उतना पैसा वह बिना उसके परमिशन के भी खर्च कर सकता है। अब दोस्तों, यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो कि बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं और उनका बैंक अकाउंट नहीं है। मान लीजिए किसी रीजन से बैंक अकाउंट है भी तो एटीएम कार्ड वगैरह नहीं है तो यूपीआई नहीं चला पाते हैं, तो वह लोग अपने पेरेंट्स के यूपीआई अकाउंट का यूज कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी यूजर। तो इस तरीके से दोस्तों, जो यूपीआई अपना नया अपडेट ला रहा है जिसके जरिए आप लोग बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन यही रहेगा कि आपको केवल कुछ पैसा, कुछ अमाउंट ही पेमेंट करने का परमिशन दिया जाएगा। तो आप लोग बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्राइमरी यूजर पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी है कि आप कहीं पर भी पेमेंट करेंगे तो उसका जो हिस्ट्री रहेगा पूरा, आपके जो प्राइमरी यूजर है जिसने आपको पूरा परमिशन दिया है उसको पता चलेगा कि आपने कहाँ पर किसको कितना पेमेंट किया है, तो ये सब जानकारी भी प्राइमरी यूजर को मिलती रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। इसके बारे में एनपीसीआई ने अपने वेबसाइट पर अपडेट दे दिया है और जल्द ही इसका जो फीचर है आपको एप्लीकेशंस पर, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी एप्लीकेशन है, यूपीआई है, भीम यूपीआई, तो इन सभी एप्लीकेशंस पर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये फीचर रोल आउट होता है, एप्लीकेशन पर आता है, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर वीडियो बना करके बता दूंगा कि कैसे आपको इसे एक्टिवेट करना है और कैसे आपको परमिशन देना है, कैसे आपको पैसा जो है अपना पेमेंट करना है, सब कुछ डिटेल वीडियो रहेगा। तब तक दोस्तों, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और जैसे ये फीचर आ जाता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना करके प्रॉपर तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको यूपीआई सर्कल को एक्टिवेट करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा वहाँ पर जैसे ही इस फीचर को ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर।